महीने में एक बार गुड़हल, गुलाब, मोगरे के पौधे में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये फर्टिलाइजर आप दे देंगे तो पौधे की मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। पीएच बैलेंस रहेगा जिससे कि आपकी पौधे की मिट्टी एल्कलाइन नहीं होगी और पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल, गुलाब, मोगरा ये बहुत ही ज्यादा फर्टिलाइजर की नीड रखते हैं अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। अगर इनकी मिट्टी में एल्कलाइन लेवल हो जाता है तो ये हमारे पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। तो आज एक घरेलू नुस्खा बताऊंगी, महीने में अगर एक बार आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर लेंगे, अपनी मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को डाल देंगे तो आपके पौधे बहुत ही हेल्दी रहेंगे और गर्मियों में भी भर भर के फ्लावरिंग करते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा मोगरे का प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आधा लीटर पानी में आधा चम्मच देंगे तो बहुत अच्छे से आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। अगर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दे देंगे तब भी आपके पौधे में बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गर्मियों में आप पीएच बैलेंस करने के लिए इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर करें। ये जो फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में, मोगरे के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में इस फर्टिलाइजर को मिक्स करके डाल दीजिए, आपके पौधे में बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग होने लगेगी। मंथली आपको एक बार ही ये काम करना है, आपके पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां भी बनने लगेंगी। अप्रैल मंथ में अगर आपको अपने पौधों में फूल चाहिए, जैसे कि मोगरे का प्लांट है, आप देख सकते हैं मेरे मोगरे के प्लांट में काफी सारी कलियां बनी हुई हैं और काफी सारे फ्लावर ब्लूम भी हो रहे हैं, तो इसमें मैंने कौन सा फर्टिलाइजर डाला था जिससे कि मेरे पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी। विंटर हो तो बहुत ज्यादा फ्लावर होते हैं, लेकिन जैसे ही समर आते हैं तो हमारे परमानेंट प्लांट जो होते हैं उन पे हमको बहुत सारे काम करने रहते हैं। अगर आप फरवरी मंथ में इनकी प्रूनिंग वगैरह कर लेते हैं तो प्लांट जो है काफी ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, वोशी हो जाते हैं। इसमें देखेंगे मोगरे के प्लांट में कुछ फ्लावर जो है ब्लूम हो चुके हैं, जो कि फेड हो गए हैं, तो शाम के टाइम में इनको हटा दूंगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए नहीं हटा रही हूँ, तो इनको शाम के टाइम में हटा दूंगी। अब इनमें मैंने जो फर्टिलाइजर दिया था उसका रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, कितने अच्छे इसमें ब्लूम हो रहे हैं। या फिर गुड़हल का प्लांट है, गुड़हल के प्लांट में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की नीड होती है। दो ही प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए रहता है, एक गुलाब और दूसरा जो है गुड़हल। गुलाब में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की नीड होती है, उसके बाद में गुड़हल का प्लांट होता है जिसमें फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो ज़्यादा फर्टिलाइजर देना पड़ता है तो अगर हम केमिकल लेने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको जो है 2 हफ्ते 15 दिन पे हमको फर्टिलाइजर देना ही पड़ता है। तो आज फिर एक घरेलू फर्टिलाइजर बताऊंगी जिससे कि आपके पौधे की मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और जब पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाएगी तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होने लगेगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी गुड़हल और मोगरा प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसको आप महीने में एक बार भी यूज करेंगे तो आपके पौधों में कलियां बहुत अच्छे से बनने लगेंगी, पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाएगा, मिट्टी उसकी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। गुड़हल, मोगरा और गुलाब होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी फीडर फर्टिलाइजर लेते हैं, मतलब कि इनको फर्टिलाइजर की ज्यादा नीड होती है। जब ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए रहता है तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें तो हमारे लिए जो है हेल्पफुल रहता है और वह हमारे बजट में भी आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये गुड़हल प्लांट है, इसकी ये वाली कली जो है ब्लूम होने वाली है, लेकिन ये वाली कली जो है ये ऊपर से तुरंत ही ये पीली होकर झड़ जा रही है। तो कारण इसका मैं बता देती हूँ कि जो हम फर्टिलाइजर देते हैं अगर काफी दिन का गैप कर देते हैं तो कुछ बर्ड्स रहती हैं वो ब्लूम होती हैं और कुछ जो है इस तरीके से ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है, या फिर पौधे में कलियां ही नहीं बन रही हैं, पत्तियां काफी अच्छी आ रही हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां अगर पीली होकर गिर जा रही हैं स्टार्टिंग स्टेज पे ही, जैसे कि ऊपर की टिप की पत्तियां ही पीली होकर गिर जा रही हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये फर्टिलाइजर मोगरा और जो है गुड़हल प्लांट पर अप्लाई किया है, आप चाहें तो गुलाब पर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड बहुत ही अच्छा है हमारे पौधे की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। गुलाब, मोगरा, गुड़हल ये तीनों ही प्लांट ऐसे हैं जिनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। एसिडिक सॉइल के लिए हम जो भी पदार्थ डालते हैं अगर हम उसका यूज कर लेते हैं अपने पौधों में तो हमारे पौधे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने लगते हैं। तो इस फर्टिलाइजर को मैंने बनाया एकदम जीरो बजट में बनाया है, और गर्मियों में इस फर्टिलाइजर को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ कि इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से बनाया है। सिंपल एक ही चीज से बना हुआ फर्टिलाइजर है और बहुत ही यूजफुल है। अगर आप इसकी 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालते हैं तो पौधे में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं ये हैं जो हमारे यूज किए हुए लेमन, मतलब कि नींबू के
जो बचे हुए पील्स रहते हैं वो है छिलके हैं, जिनका हम जूस निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो मैंने इस तरीके से भर लिया है। आपके पास में इतने सारे ना हो तो आप एक या दो छिलके भी, मतलब कि एक दो जो काट के हम रख देते हैं इस तरीके के, अगर एक या दो भी, एक नींबू में से दो टुकड़े निकलते हैं वो रख देंगे, या दो दो नींबू के टुकड़े आप रख देंगे। तो इस तरीके से आप एक गिलास में पानी भर के रख दें और आप देख सकते हैं इसका लिक्विड का कलर जो है चेंज हो जाता है। एक नाइट के लिए ही आपको रखना है, गर्मी में एक नाइट ही बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। अब इसको यूज करने का तरीका आपको वैसे भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से एक बार अच्छे से बता देती हूँ। पहले तो हम इसको, इस लिक्विड को निकाल लेंगे। आपको जितना यूज करना है आप उतना निकालिए। इसका आप एंजाइम बनाकर भी रख सकते हैं, गर्मियों में यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। जो गुलाब मोगरा गुड़हल रहते हैं उनको एसिडिक सॉइल बहुत अच्छी लगती है, मतलब कि अगर सॉइल आपकी एल्कलाइन हो गई है पानी डाल डाल के, और अगर उसमें से जो है आपके पौधे में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा चिपचिपी सॉइल हो गई है, तो आप इस तरीके का लिक्विड बनाकर और डाइल्यूट करके आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे में कलियाँ और फूल बहुत अच्छे से आने लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये गुड़हल का प्लांट काफ़ी हेल्दी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी मैंने मार्च में प्रूनिंग की थी, कुछ प्लांट की मैंने फरवरी में ही प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी ज्यादा ठंडी नहीं थी। अब इनमें बर्ड्स तो आ रही हैं, कहीं कहीं पर बर्ड्स आ रही हैं। ये रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है, तो एक ब्रांच में बर्ड्स आ रही हैं। अभी जो है स्टार्टिंग स्टेज है, तो मिट्टी जो है इसकी सूख नहीं रही है और मिट्टी काफी ज्यादा चिपचिपी है, तो मिट्टी हमारी जो है एल्कलाइन ना हो जाए, इसके लिए मैं मंथली एक बार, चाहे एल्कलाइन हो या ना हो, पीएच को बैलेंस करने के लिए मैं अपने पौधे में इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। उसके पहले जो है मैं इसकी जितनी भी यहाँ पर बीड्स वगैरह हैं उनको हटा लूंगी, और गुड़ाई करना चाहें तो गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने कल शाम को ही इसकी सब बीड्स घास हटाई थी तो गुड़ाई भी कर दी थी, तो आज मैं इसकी गुड़ाई नहीं करूंगी। इसमें जो है, इस फर्टिलाइजर को जब भी आप यूज करते हैं तो इस फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए आप पहले मिट्टी में पानी डाल के रखिए एक दिन पहले। एकदम ड्राई मिट्टी में आपको इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइजर है इसके आपको दो बेनिफिट होंगे, एक तो आपकी मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, दूसरी बात जो है अगर आपकी मिट्टी में चींटी वगैरह हो गई हैं, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, तो जो नींबू के छिलके रहते हैं या नींबू का जो लिक्विड रहता है, थोड़ा सा ही वेस्ट बचा हो लेकिन इसमें जो है इसकी फ्रेग्रेंस आ जाती है। जब हम एक नाइट के लिए इसको भिगो कर रखते हैं तो इसकी फ्रेग्रेंस ऑब्वियस है कि इस पानी में मिक्स हो जाती है। तो इसको अगर जब आप अपने पौधे की मिट्टी में डालेंगे, या जो ये छिलके हैं, छिलकों को आप सीजर से या चाकू से कट करके मिट्टी के ऊपरी सतह पर डाल देंगे तो चींटियां वगैरह रहेंगी तो वो हट जाएंगी। अब इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे पास में एक लीटर का जार अभी नहीं है, मैंने 500 ग्राम का जार लिया है। जो मैंने मेजरमेंट बताया है कि एक लीटर पानी में एक टेबल स्पून हमको जो हमारा मेन फर्टिलाइजर है वो लेना है, तो उस हिसाब से हम जो है लगभग आधा चम्मच के करीब लेंगे। अगर आप एक चम्मच के करीब भी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरीके से थोड़ा सा और लेंगे, इतना ही हमको लेना है, और ये एक प्लांट में देने के लिए काफ़ी है आधा लीटर पानी। लेकिन मेरी जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो मैं एक प्लांट नहीं, इसको दो प्लांट में 250-250 ग्राम के हिसाब से मैं दो प्लांट में इसको अप्लाई करूंगी। तो अगर आपने गुड़ाई नहीं करी है तो गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी को थोड़ा सा नम रखिए, और इतना ही फर्टिलाइजर देना है जिससे कि जड़ों तक पहुंच जाए, इससे ज्यादा हमको नहीं देना है। और अगर इन छिलकों को आप काट के भी नहीं डालना चाहते तो इस तरीके से आप ऐसे गमले में डाल देंगे, तब भी जो है चींटियां वगैरह नहीं आएंगी। जब चींटियां जल्दी नहीं आएंगी फ्रेंड्स, तो मिलीबग का खतरा जो है बहुत कम रहेगा। गर्मियों में जितना ही पौधा हेल्दी रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हिबिस्कस का प्लांट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, जितना ही ग्रीनिश रहेगा, एकदम क्लीन पत्तियां रहेंगी, चमकदार पत्तियां रहेंगी, उतने ही जल्दी ज्यादा चांस रहते हैं कि आपके पौधे में मिलीबग का अटैक होगा। अब ये जो पील्स बच गए हैं इनको आप पानी डालकर रख सकते हैं, या जो है आप किसी भी जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल है जो नीचे से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा फ्लैट नहीं होना चाहिए, नीचे से जो पैर से ऊंचे ऊंचे रहते हैं वैसा होना चाहिए, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आप इसको भर कर रख दीजिए और हर दूसरे तीसरे दिन आप इसको चेक कर लीजिए, और इसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा भी डाल दीजिए, तो एंजाइम बन जाएगा आपका लगभग 30 से 35 दिन या 45 दिन में आपका एंजाइम बनकर रेडी हो जाएगा। इस एंजाइम को आप जो है अपने पौधों की पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकती हैं, चींटियां वगैरह में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इसको दोबारा यूज करना चाहते हैं तो पानी डाल के आप, जैसे कि मैंने एक नाइट के लिए इसको भिगोया था, आप दो नाइट के लिए भिगो कर रख दीजिए और उसके बाद में आप यूज कर लीजिए इसको।
या आप चाहें तो इस तरीके के जो ये पील्स रहते हैं लेमन्स के पील्स, इनको आप ड्राई करके छायादार जगह में ड्राई करिए और उसके बाद में पाउडर बनाकर भी आप रख सकते हैं। अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियां वगैरह हो रही हैं तो उस पाउडर को आप गमले की मिट्टी में ऊपरी सतह में आप स्प्रिंकल करते रहिए हर 15 दिन 10 दिन पर, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहते, ऑर्गेनिक जो पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड रहते, इनका यूज अगर आप करते हैं तो पौधे इसी तरीके से हेल्दी रहते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर रिजल्ट बहुत जल्दी देते हैं लेकिन बहुत जल्दी हमारे पौधे को डैमेज भी करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।